हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए संकेत अग्रवाल यूट्यूब चैनल। अब हो गए फेल, आ रहा है मज़ा। चलो ठीक है, मैं आज हम लोग फेल होने वाले लोगों के लिए बात करेंगे। अब हाँ, एक बात बता दूँ मैं आपको, आप गलत इंसान से ये बातें सुन रहे हो, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने CPT IPCC बोधरूम फाइनल बोधरूम फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर किया विद गुड मार्क्स। सर एक तो आज फेल हो गए हैं, ऊपर से ऐसी बातें करके आप जला रहे हो हमको, तो ये मत करो सर। नहीं, पर फिर आप एक तरफ से सही इंसान से भी सुन रहे हो, क्योंकि क्या है ना, जो फेल होता है उसके मजे लेने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है, तो आज मैं आपके मजे लूँगा। अब सुनो एक बात, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना, इसका जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान है मुझे। किस बात का, ध्यान से सुनना। जितने लोग चार अटेम्प्ट में, तीन अटेम्प्ट में, दो अटेम्प्ट में सीए बने, उनसे उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है हर सब्जेक्ट का, उनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, उनका ग्रोथ भी मुझसे ज़्यादा है, और साला वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। तो फेल होना मतलब कोई सच में फेल्योर नहीं होता, उसके हिसाब से हम लोग नॉलेज की वजह से आगे भी बढ़ सकते हैं, ये एक बात। अब मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चों, चीज़ों को पॉजिटिवली देखने की, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो लोग उनकी फैमिली फुटपाथ पे सोते रहती है, और उसके पापा ने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया होता है, और उस पैसे से वो लोग घर बनाते हैं। बिल्कुल कमज़ोर सा घर होता है, बट वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है कि हम लोग अभी घर में शिफ्ट होंगे पहली बार। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी घर में शिफ्ट नहीं हुआ, फुटपाथ पे सोते आया, और वो पहली बार घर में शिफ्ट होने वाले रहते हैं। 8 दिन बाद वो लोग शिफ्ट होने वाले रहते हैं, और वो बच्चा दिन भर उस घर के पास बैठा रहता था कि हम इसमें शिफ्ट होंगे, हम इसमें शिफ्ट होंगे। एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश आई और पूरा घर बह गया, अफसोस। तो उसके बाद में वो रोते रोते उसके पापा के पास गया, उसके पापा बाजार में थे, और बोला कि पापा अपना घर तो बह गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। उसके पापा ने मिठाई बांटी, और मिठाई बांटने के बाद सब लोगों ने उनको एक बात पूछी कि आपका घर ढह गया और आप मिठाई बांट रहे हो, ऐसा कैसे? तो उसके पापा ने बोला कि ये घर आज बह गया, अगर 8 दिन बाद बहता तो मेरा एक भी बच्चा नहीं बचता। क्या उन्होंने उस बात को भी पॉजिटिवली लिया? देखो बच्चों, खुश रहना और दुखी रहना ये आदत है, सिचुएशन नहीं है, आदत है, आदत। क्या उस बेटे को दुखी रहने की आदत थी तो उसने घर ढहने में दुख देखा, और इसके पापा को खुश रहने की आदत थी तो उन्होंने उस घर बहने में भी खुशी देखी। ये एक आदत है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को पॉजिटिवली लो। पक्का 100% मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप आज फेल हुए, आज आपका घर ढह गया, आज कुछ गलत हुआ है, तो कुछ ना कुछ फ्यूचर में बहुत बेहतर होने वाला है, इसीलिए आज कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो ये हो गई सारी स्टोरी लाइन की बातें, फिलोसॉफी की बातें। अब आते हैं मुद्दे पे। आज फेल हो गए, बच्चा दो टाइप का होता है। एक तो सोचता है कि आज के बाद तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा, अगली बार रैंक में आ जाऊंगा, या फिर दूसरा सोचता है कि मेरे बस की बात ही नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता, कुछ नहीं हो रहा। दोनों बातों के लिए आज का दिन गलत है। 10-12 घंटे पढ़ने का आज सोचोगे, 3 दिन पढ़ोगे, 4थे दिन भूल जाओगे, और अगर आज छोड़ने का डिसीजन ले लिया, 10 दिन बाद अफसोस होगा कि क्यों छोड़ने का डिसीजन ले लिया, 10 दिन भी वेस्ट हो गए। तो आज सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना कि कोई डिसीजन नहीं लेना। आज आप कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हो, आप बिल्कुल भी आज डिसीजन मत लो। जस्ट 3 डेज गो विद द फ्लो, कुछ मत करो। पबजी खेलना पसंद है, पबजी खेलो। क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलो। मम्मी से झगड़ा करना पसंद है, मम्मी से झगड़ा करो। जो करना है वो करो, 3 दिन डिसीजन मत लो, अपने आप को डाइवर्टेड रखो, कोई डिसीजन मत लो। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पास हो गया है उससे ज्यादा बात मत करो, थोड़ा सा अननेसेसरी पीयर प्रेशर आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, बट 3 दिन कोई डिसीजन मत लेना। 4थे दिन हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीकनेसेस, क्यों फेल हुए, डिसीजन कहाँ, किस रिजल्ट का एनालिसिस करना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको पेन ड्राइव लेना है, रिवीजन लेक्चर्स अटेंड करने, पूरा बैच अटेंड करना है, वो सारी बातें हम लोग कब करेंगे, 3 दिन बाद। क्या आज रिजल्ट, जिस दिन आपका फेल आया उस दिन आपको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज 3 दिन बाद हम लोग, आज के 3 दिन बाद और एक वीडियो अपलोड करेंगे विच विल बी रिलेटेड टू फ्यूचर प्लान्स। आज मैं वो वीडियो भी अपलोड नहीं करूंगा फ्यूचर प्लान्स के बारे में, क्योंकि आज हमको हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना है कि बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।